नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी, मैं मौजूद हूं इस समय गोविंदगढ़ सामुदायिक केंद्र में। जैसा कि आपको मालूम है, वैक्सीनेशन का काम जोरों से है। कोरोना से बचाव का एक ये बेहतर तरीका बताया गया था पूरे देश के साथ। रीवा में भी वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट है। हमारे साथ BMO गोविंदगढ़ मौजूद है, हम सीधे उन्हीं से बात करेंगे। ये बताइए, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि गोविंदगढ़ में आपने क्या व्यवस्था कर रखी है, अभी तक कितने लोगों का आपने वैक्सीनेशन कराया? गोविंदगढ़ में आज हमारा सातवां सत्र चल रहा है वैक्सीनेशन का, तो पर डे 60% के आसपास हो जा रहे हैं। 100 का टारगेट है जो अपन को लिस्ट आती है, तो 50% के आसपास पर डे हो रहा है। अगर एक सवाल यहाँ पर यह भी होता है, बहुत सारे लोगों के मन में डर है, एक तरीके का संकोच है, वो इंजेक्शन नहीं लगवा रहे थे, अब इंजेक्शन लगवाते काफ़ी दिन हो गए, तो उन लोगों के लिए आपने क्या इंतज़ाम कर रखा है? ऐसा डर की कोई बात नहीं है, क्योंकि पहला वैक्सीनेशन हमारे डॉक्टर साहब ने लगवाया, फिर हमने लगाया, वीडियो बना के शेयर भी किया कि जब हमें कोई रिएक्शन नहीं है तो आप लोग इससे मत डरें। हम लोगों ने वीडियो शेयर किया दोनों लगवाने का, तो उसके बारे में तो उनको देखा ही गया कि हमको लगा है, फिर हमको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, तुरंत काम में भी लग गया। आधे घंटे बाद काम में लगे, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन की बात ही नहीं आई। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, वैक्सीनेशन के लिए सबसे पहले मैंने स्वयं खुद टीका लगवाया, उससे लोगों को ये लगे कि इस टीके से 101% बचाव है, ये आपके बचाव के लिए आपके लिए ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल ये है, बहुत सारे लोगों के मन में ये शंकाएं हैं कि अगर उन्हें इंजेक्शन लगवाया तो उनको किसी तरीके से रिएक्शन होता, उस दौरान आपने किस तरीके के इंतज़ाम करके रखे? हमारे पास ऐसी तो कोई अभी बात नहीं आई जितने भी लगे हैं, लेकिन हमारे पास AFI मैनेजमेंट करने के लिए पूरी हमने व्यवस्था बना रखी है, उसका इमरजेंसी रूम ही बना रखा है। वो अभी उसकी नौबत ही नहीं आई किसी को, कोई भी तरह की वहाँ पे कोई मैनेजमेंट की नौबत नहीं। लगभग कितने लोगों को अभी तक नंबर, आप नियर अबाउट एग्जैक्ट नहीं तो एक अंदाज, कितने लोगों को आप टीका लगा सकते हैं? हमारे कितने लग गया, 250 के आसपास लग गया अपने, है ना, 250 के आसपास लग गया कभी आज लग रहा है। जैसा कि 225 के आसपास, और हमारे दो जगह और लग रहे हैं। कहाँ कहाँ? निपनिया में और रहन में, कल से शुरू हुआ है, तो कल हमारे निपनिया में जो आयुर्वेदिक के स्टाफ है वहाँ पे हमने 52 लगवाया, और रहन में 24 लगवाया। आज भी वहाँ वैक्सीनेशन चल रहा है, मैं सुबह जाकर वहाँ शुरू करवा के आया था, तो 200 और चल रहे हैं, लगभग 300 माना जाए कि 300 के आसपास। निपनिया और रहे, तीन जगह आज की डेट में हमारे तीन जगह पर इन वैक्सीनेशन का काम गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर रहा है। लगभग गोविंदगढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग 225 के आसपास अभी तक वैक्सीनेशन हो गई, और वैक्सीनेशन का काम स्टार्ट है, और उन दोनों सेंटरों में भी कल से, कल 52 लगे थे, अभी वहाँ पर रनिंग में है, लगभग वहाँ पर भी 50 से माना जाए गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने 300 के आसपास वैक्सीनेशन करा दिया है। डॉक्टर साहब, एक बड़ा सवाल एक और भी है, काफ़ी लोग ये भी कह रहे थे कि क्या इसके लिए आप कोई प्रमाण पत्र देते हैं, और वो प्रमाण पत्र अगर देते हैं तो उसके क्या इंतज़ाम है? नहीं, उसके लिए तो मैसेज उनके उसमें आ जाता है, वही सर्टिफिकेट उनका जैसे लगता है ना, अपन अपडेट करते हैं तो उनके मोबाइल में मैसेज आ जाता है। नहीं, मैसेज तो आ जाता है। तमाम तरीके के सुरक्षा के इंतज़ाम के साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम प्रारंभ है। डॉक्टर साहब ने जैसा कि खुद बताया कि सबसे पहले उन्होंने लोगों में भय, जो भय था उसको खत्म करने के लिए उन्होंने खुद वैक्सीनेशन सबसे पहले अपने आप कराया, और मेरे साथ मौजूद है। आपका कहना था वीडियो शेयर किया, देखिए इनको देख के आप भी आइए, इधर आइए, आपसे हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि आप जैसे बहादुर लोगों ने जिन्होंने कोरोना के दौरान काफी बेहतर काम किया और कोरोना से बचाव के लिए साथ में वैक्सीनेशन भी, जब आप टीका लगवा रहे थे तो कैसा लग रहा था आपको? किसी भी तरह की कोई रिएक्शन नहीं था, और बिल्कुल नॉर्मल जैसे सारे टीके लगते हैं, जैसे टिटनेस का टीका लगता है उसी तरह से टीका लगवा रहे हैं। हम लोगों ने इसीलिए ये प्रयास किया है कि जब आके मेडिकल ऑफिसर लगाएंगे तो सभी लोग प्रेरित। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुधाकर। डॉक्टर साहब बता, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे थे, डॉक्टर सुधाकर और डॉक्टर BMO यहाँ पर सोंदिया जी हमारे साथ मौजूद है, इनका साफ तौर से ये कहना था कि हमने खुद टीका लगवाया, टीका लगवा के वीडियो भी शेयर किया, जिसका परिणाम है लोग अब अपने से आ रहे हैं, अभी तक जो लोग डर रहे थे वो अपने से आ रहे हैं और वैक्सीनेशन का काम ईमानदारी से करवा रहे हैं। यहाँ पे आपको अंदर तो बाहर रखवाए हैं, यहाँ पे पैसे की आगे देखते हैं और इसका सैनिटाइजेशन करवाते हैं, टेम्परेचर थर्मल स्कैनर से देख के इसका अपन ओके करते हैं, तो ये यहाँ पे वेरीफायर के पास जाएगा,
दूसरा अपना ये यहाँ पे अपना वैक्सीनेशन ऑफिसर फर्क है तो ये काम कर जी अंदर यहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसे ये आईडी जनरेट कर रही है, ये जो आईडी ये आधार कार्ड, इससे रजिस्टर में आधार कार्ड से जनरेट करेगी, इसमें एंट्री होगा कि ये वैक्सीन लगने के लिए ये ओके हो जाएगा। इनके इसमें मैसेज आ जाएगा मोबाइल में, वही प्रमाण पत्र। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इसको इंजेक्शन लगवाने के लिए बैठाते हैं। ये अपनी बारी का इंतजार करेंगे, जब यहाँ से इंजेक्शन बेनिफिशियरी को इंजेक्शन लग जाएगा तो ये कॉल करेगी, तो यहाँ से फिर ये नंबर सुनवाई नंबर। जैसा कि डॉक्टर सोंधिया हमें बता रहे थे, अभी उन्होंने पूरी बातें बताई किस तरीके से तीन चरणों में आके हम प्रॉपर वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर कोरोना का टीका लगाते हैं। हमारे साथ एक महिला भी मौजूद है जो टीका लगा रही है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, टीका लगवा रही। पहले तो आप टीका देखिए किस तरीके से कितनी आसानी से आप वैक्सीनेशन करवा रही हैं। माना जा सकता है गोविंदगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बेहतर तरीके से फिलहाल जैसा कि देखने में नजर आ रहा है वैक्सीनेशन लगी है। किस कंपनी बताया जाता है आपने टीका लगवाया, आपको क्या कोई डर लगा है? कैसे आपने लगवा लिया? बहुत अच्छे से लगवाए हैं, एक भी डर नहीं लगा। कहाँ काम करती, क्या नाम है? मेरा नाम सिद्धू साकेत, आंगनवाड़ी सहायक। इंजेक्शन लगने के बाद जो बेनिफिशियरी है उसको आधे घंटे के लिए बैठाते हैं, तो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर फुल बैठे हैं, इनसे टाइमिंग नोट करते हैं। जैसे वो वैक्सीन लगवा के आएगी और बैठाएंगे उनको टाइमिंग बताया जाएगी, इतने टाइम के आएगी 30 मिनट के लिए बैठाएंगे, और जब इनका टाइम हो जाएगा तो ये आउटफिट से बाहर कर देंगे। जिस तरीके से ग्रामीणों का रुझान कोरोना वायरस के बचाव का टीकाकरण लगाने का जिस तरीके से वो अपने से आ रहे हैं, फिलहाल अभी उन्हीं को वैक्सीनेशन किया जा रहा है जिन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया था, सरकारी कर्मचारी थे जैसे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए जो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के आते थे, उनको लगाया गया है टीका। अब ये माना जा सकता है कि धीरे धीरे वैक्सीनेशन का काम रफ्तार पकड़ेगा और एक भी अभी तक किसी भी तरीके की कोई भी शिकायत ना आना अपने आप में ये दर्शाता है कि टीकाकरण कोरोना का बेहतर तरीके से चल रहा है।